हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ ब्रेड रसमलाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही इंस्टेंट और इजीली भी है बनाने में और फटाफट से बन के रेडी हो जाता है। सो गाइस, आपका जब भी मन करे कुछ मीठा खाने का तो आप घर पे ब्रेड रसमलाई बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा लगता है। और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, तो आप दिवाली पर अपने घर पर भी रसमलाई बना करके खा सकते हैं और अपना फेस्टिवल इन्जॉय कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़ देखिए, ब्रेड रसमलाई बनाने के लिए हमारे पास कुछ 5 to 6 ब्रेड मैं ली हूँ, ब्रेड के स्लाइस ली हूँ। इसको आपको राउंड राउंड कट करना है। तो आप इस तरीके का, आपके घर में ढक्कन होगा, आप इस तरीके से आप ब्रेड के ऊपर ऐसे प्रेस करोगे तो बहुत ही ईजिली कट के ये निकल आता है, आप देख सकते हो। इस तरीके से आपको पूरे ब्रेड को कट कर लेना है। और जो हमारे ये एक्स्ट्रा ब्रेड बच रहे हैं, इसका भी यूज़ होगा, मैं बताऊँगी इसमें। तो गाइज़ देखिए, यहाँ पर ये पूरे ब्रेड्स मैंने कट कर लिए हैं। और जो हमारे ये ब्रेड बचे हुए थे ना, हमें इसका ब्रेड क्रम बनाना है। तो आप छोटे छोटे से इसके टुकड़े कट कर लीजिए, हाथ से तोड़ लीजिए, और इसको फिर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। तो हमारे ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। सो गाइज देखिए, मैं यहाँ पर ऑयल गरम कर रही हूँ, जो हमने ब्रेड को राउंड कट किया था ना, इसको तलने के लिए। मैं इसको तल करके रसमलाई बनाऊँगी। आप चाहे तो ब्रेड को बिना तले, बिना ऑयल के ऐड ना सकते हो, सिंपल तरीके से भी, लेकिन मैं यहाँ पे इसको तल के बनाऊँगी। इससे ना थोड़ा सा क्रंची भी लगता है और इसका थोड़ा सा टेक्स्चर भी चेंज हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। सो आप एक बार इस तरीके से बना करके देखना। तो गाइज देखिए, मैंने यहाँ पर पूरे ब्रेड को तल लिया है इस तरीके से, आप देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा है ये। ये ऑप्शनल है, आप बिना तले भी बना सकते हैं। सो गाइज, अब उसके बाद हम रबड़ी बनाएंगे। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1/2 लीटर दूध लिया है। तो हमें दूध को बहुत अच्छे से बॉयल करना है। अब इसको हमें बॉयल करते रहना है। जब ये थोड़े से अच्छे से 5 मिनट में अच्छे से ये बॉयल होने लगेगा, तो इसमें हम इलायची का पाउडर, तो मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून इलायची का पाउडर ऐड करूँगी। तो गाइस देखिए, मैंने इलायची का पाउडर ऐड कर दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पर केसर मिल्क ऐड कर रही हूँ, जिससे कलर बहुत ही प्यारा सा आ जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। फिर उसके बाद इसे हमें अच्छे से बॉयल करना है, कभी हाई फ्लेम पर, कभी स्लो फ्लेम पर, कभी हाई फ्लेम पर, इस तरीके से करके आपको बॉयल करते रहना है। देन 2 मिनट बाद आपको जो आपने ब्रेड क्रम्स बनाए थे ना, आप उसको इसमें ऐड कर देना। सो गाइस देखिए, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ। ब्रेड क्रम ऐड करने से क्या होगा, आपका बहुत अच्छे से ये गाढ़ा हो जाएगा रबड़ी, और थोड़ा सा खाने में भी थोड़े थोड़े से ब्रेड्स आएंगे ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। इस वजह से आप ब्रेड क्रम ऐड कर सकते हो, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। देन देखिए गाइस, ये धीरे धीरे बॉयल हो रहा है हल्का हल्का सा। उसके बाद मैं यहाँ पर चीनी ऐड कर रही हूँ, मैं यहाँ 1/2 बाउल चीनी ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग, आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हो। तो आपको चीनी ऐड करना है, उसके बाद इसे अच्छे से बॉयल करते रहना है, कम से कम 5 to 7 मिनट, मतलब टोटल आपको 10 to 15 मिनट लग जाएगा अच्छे से बॉयल करने में पूरा स्टार्टिंग से। तो आपको अच्छे से बॉयल करना है। जब आपको लगे कि हल्का गाढ़ा हो गया है, देन इसे ऑफ कर दीजिए, ये हो गया है। और उसके बाद जब आपको खाना है, जब आपको सर्व करना है, तब आप इसमें जो आपने तला हुआ है ना ब्रेड, उसको आप ऐसे सर्विंग प्लेट पे सर्व कर सकते हैं, ऐसे रख करके। एंड इसके ऊपर आप रबड़ी को लगा दीजिए, अच्छे से रबड़ी को उस पर कोट करिए पूरा अच्छे से। देन उसके बाद आप अपने अच्छे मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैं उसमें थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए इसमें मैं अनार के थोड़े थोड़े दाने भी ऐड करूँगी, जिससे थोड़ा सा देखने में बहुत प्यारा सा लगेगा। और ये इसके बाद जब इसमें आप रबड़ी इसके ऊपर लगाओगे, तो जो आपका ब्रेड है धीरे धीरे से घुलने लगता है और ये पूरा अच्छे से रबड़ी को सोख लेता है। उसके बाद आप इसको आराम से खा सकते हो, अपने गेस्ट को खिलाओ। जब आपको भी कोई भी गेस्ट आ जाए, आप इंस्टेंट बना के रेडी कर सकते हो, बहुत ही फटाफट से बन जाता है। सो गाइज, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, एंड अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। गाइज थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।